हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। ये स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक में लेके आया हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि डिफरेंस एसी और डीसी में समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले देखिएगा आपका अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप उसको देखिए। सबसे पहले देखिएगा कि हमारा फर्स्ट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ पीरियोडिकली रिवर्स होती रहती है, पीरियोडिकली रिवर्स होती रहती है। यहां पर देखिए आप इसको, जैसे आप देख रहे होंगे वहां पर क्या लिखा हुआ है कि आपका टाइम के साथ पीरियोडिकली रिवर्स होती रहती है। आप देखिए, ये टाइम के साथ, ये आपका टाइम है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है आपका, टाइम के रिस्पेक्ट में देखो, यहां से जीरो से चले, उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा, फिर उसके बाद फिर मिनिमम पे जाने के बाद यहाँ पे फिर जीरो पर, फिर पहले पॉजिटिव फेज में था, अब नेगेटिव फेज में, फिर पॉजिटिव फेज में, फिर नेगेटिव फेज में। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब एक सेम पीरियड के साथ क्या हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट, सबसे पहला ये वाला है, ठीक है। उसको इसलिए कहा जाता है बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन मतलब दो डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव फेज में या नेगेटिव फेज में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, डीसी डायरेक्ट करंट यूनिट डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज वन साइड होती है, वन साइड होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। देखिए खबर आपका की होती है, आपका ये डीसी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी, ठीक है। तो डीसी क्या है आपका, कि सेम फेज में, एक ही फेज में चलती है, दूसरा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, इसलिए उसको कहा जाता है यूनिट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलना। देखो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आपको पाथ को फॉलो कर रही है। अब सेकंड पॉइंट को आइए आप, इसके फ्रीक्वेंसी डोमेस्टिक यूज के लिए 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज का मतलब देखिएगा आप कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है आपका, कि फ्रीक्वेंसी का मतलब सबसे बड़ा आप समझिए कि एक सेकंड में किए गए ऑस्किलेशन या किए गए दोलनों की संख्या, ठीक है। एक सेकंड में, जैसे मैंने एक सेकंड यहां मान लिया, एक सेकंड यहां पर कंप्लीट हो रहा है आपका, ठीक है, एक सेकंड यहां पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस एक सेकंड में क्या करेगा ये 50, क्या करेगा, 50 टाइम्स क्या करेगा, 50 टाइम्स अपने आप को रिपीट करेगा, एक सेकंड में 50 टाइम्स अपने आप को रिपीट करेगा, ये है फ्रीक्वेंसी। मतलब आप समझिएगा, एक छोटा सा और एग्जांपल समझिए, जैसे कोई सर्कल है आपका, तो आपने यहाँ से स्टार्ट की दौड़, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद तो आपकी जो, अगर किसी भी, जैसे मैं इस वेव की, अल्टरनेटिंग करंट की वेव की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ, तो एक सेकंड में ये क्या करती है, इसको यहाँ पर 50 बार राउंड कर चुकी होती है, तो ये 50 बार राउंड जो कर रही है यही क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। लेकिन कितने टाइम में, 1 सेकंड में 50 बार किसी भी पाथ को फॉलो करना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, आपका लैंग्वेज में समझिए, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के बाद देखिए, यहां पर जब फ्रीक्वेंसी की बात आई, तो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या है आपका, एफ इक्वल टू 1/T। तो क्या है कि एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय, या एक ऑस्किलेशन को पूरा करने में लिया गया समय क्या होता है आपका, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये एक सेकंड में, हम इंडिया की बात करते थे, एक सेकंड में कितना है, 50 बार आपका राउंड ऑफ हो जाती है, ठीक है। और डीसी क्या होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी हमेशा जीरो रहती है, क्योंकि ये क्या करती है, पीरियोडिकली चेंज नहीं होती है, तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, डीसी की, डीसी की फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो, ठीक है। और यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब थर्ड देखिए, अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, ट्रांसफॉर्मर के द्वारा हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफॉर्मर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा अपने घरों से, आपके पावर प्लांट से आपके घरों तक, आपके पावर प्लांट में ट्रांसफार्मर होते हैं, वो स्टेप अप
ट्रांसफर होते हैं, फिर आपके घर आते हैं जो आपके गली मोहल्ले में वो लगे रहते हैं, उसका उनको क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसलिए स्टेप डाउन करके आपके घरों तक जो वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है वो आपका 230 वोल्ट में होती है, ठीक है। तो स्टेप अप स्टेप डाउन हम इसमें अल्टरनेटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पर डायरेक्ट करंट में हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप फोर्थ, अल्टरनेटिंग करंट जो है आपकी साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव आदि वेव शेप में हो सकती है, ठीक है। और आपका जो डायरेक्ट करंट है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करती है। और देखिए ये क्या होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए सुटेबल होती है। डायरेक्ट करंट आपका लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए सुटेबल नहीं होती है। फिर उसके बाद मैंने इसको आपको पार्ट दिखाया है कि आपका ये वेव शेप है, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव ये आपका डायरेक्ट करंट है। उसके बाद आप देखिए इसमें क्या है कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे ही आप किसी भी कंडक्टर में क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एसी को फ्लो कराएंगे तो उसमें क्या होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो आपका कंटिन्यूअसली फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, वो क्या होगा पीरियोडिकली आपका फ्लक्स इंड्यूस होगा, मतलब वो आपका पीरियोडिकली होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। तो जो डायरेक्ट करंट में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है वो आपका क्या होता है कंटिन्यूसली होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। और अगर इसमें किसी बच्चे को कोई क्वेरी है वो हमसे बात कर सकता है कमेंट में, ठीक है। और मैं आपसे फिर आशा करता हूँ कि आप इस वाली वीडियोस को और इन सभी वीडियोस को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके हुजूर भाई से कामना करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।